ओम शांति। आप सबका स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 29 अक्टूबर की। परमपिता परमात्मा आज हमें समझाते हैं कि कैसे हम काम वासना और क्रोध इन दोनों से अपना छुटकारा पा लें। काम वासना को महादुश्मन कहा गया है क्योंकि काम वासना सबसे ज़्यादा परेशान करता है। एक इंसान सिगरेट का आदि हो सकता है, ड्रग का आदि हो सकता है, लेकिन किसी और के शरीर का जब आदि बन जाता है, तो जिस तरीके से सिगरेट के कण कण और अन्न और ड्रग्स के वो केमिकल्स शरीर में घुस जाते हैं और वो हमें कंट्रोल करना शुरू करते हैं, वैसे ही किसी और का शरीर हमें कंट्रोल करना शुरू कर सकता है। और वो सबसे बड़ी गुलामी है। और वो चीज़ से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसके अंदर दो चीज़ें हैं। सिगरेट के अंदर कोई इमोशंस नहीं है, ड्रग्स के अंदर कोई इमोशंस नहीं है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति जिसके शरीर के साथ में कोई दूसरा व्यक्ति अगर जुड़ जाए तो फिर बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि उसमें इमोशंस एंड केमिकल्स दोनों आ जाते हैं, सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी। और फिर उससे छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है इंसान को। जैसे कि आप देखें रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप्स होते हैं, तो ब्रेकअप्स के बाद में इंसान को यादें आती हैं और वो जो अंदर के हॉर्मोन्स होते हैं, फिजिकल बॉडी के हॉर्मोन्स, वो इंसान को खींचते हैं। इंसान चाहता है कि भूल जाए लेकिन भूलने नहीं देता है, क्योंकि हॉर्मोन्स जो होते हैं वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिलीज कर रहा होता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को हमने आदत दे दी होती है दूसरे व्यक्ति के शरीर की। सबसे बड़ा एडिक्शन है ये, जो कि ड्रग्स, एल्कोहल और सिगरेट से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो देखिए आज परमात्मा कहते क्या है इसके बारे में। परमात्मा कहते हैं, ब्राह्मण जीवन में काम महाशत्रु के साथ उसके सर्व साथियों को भी विदाई देने वाले संपूर्ण पवित्र भवा। तो प्योरिटी से ही लाइटनेस, हैप्पीनेस, जॉय आता है, खुशी आती है। और आप अपने आप को कुछ बड़ा करने की सोच सकते हो। इस जीवन में आए हैं कुछ करने के लिए, लेकिन कुछ बड़ा करने की सोच सकते हो इस जीवन में। आप कुछ, मैं धन की बात नहीं कर रहा हूँ, नाम मान शान की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप कुछ दे सकते हो इतना बड़ा कि आप कुछ इंसान को देखे जा सकते हो, इस दुनिया को देखे सकते हो। सिर्फ यूज़ करने वाले नहीं, लेकिन आप चीज़ों को सही रूप में, सही पैमाने में इस्तेमाल करके औरों की सेवा कर सकते हो। सिर्फ यूज़ करने वाले नहीं, औरों की सेवा के लिए यूज़ करने वाले बन सकते हो। तो देखें परमात्मा कहते क्या है। ब्राह्मण जीवन में जैसे काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन रखते हो, हम सब वही करते हैं पुरुषार्थ, क्योंकि काम वासना ने सारी दुनिया को जकड़ा हुआ है। आज इंसान धन के पीछे भी काम वासना के लिए जाता है। आज इंसान काम वासना पाने के लिए धन, लोभ, अहंकार, और को नीचे दिखाना, कंपीट करना, ये सारी चीजें करता है और पूरा जीवन इसी में निकाल देता है। तो सबसे बड़ी एडिक्शन यही चीज़ की है, पैसा और काम वासना, इसी में आज इंसान दबा हुआ है और डूबा हुआ है। तो परमात्मा कहते हैं ऐसे उसके सभी साथियों को भी विदाई दो। साथी क्या है आगे देखते हैं। कई बच्चे क्रोध महाभूत को तो भगाते हैं, लेकिन क्रोध के बाल बच्चों से थोड़ी प्रीत रखते हैं। अब ये बाल बच्चे क्या है, क्रोध के फ्रस्ट्रेट होना, इरिटेट होना, किसी की बात पसंद ना आना। आपने मुंह से तो कुछ नहीं बोला लेकिन एक्शन से दिखा दिया, दूर हो गए उस इंसान से, फ्रस्ट्रेट हो गए उस इंसान से, उसकी बातें सुन करके आपको इरिटेशन होना, ये भी क्रोध का अंश है, इरिटेट होना। परमात्मा कहते हैं किसी की बात पसंद ना आए तो फिर उससे आप दूर हो जाओ, लेकिन बिना इरिटेट हुए हुए, बिना फ्रस्ट्रेट हुए हुए, तो जा करके आप क्रोध के ऊपर जीत पा सकते हो या उसके अंशों को भी आप पहचान सकते हो। रौब झाड़ना, ये भी क्रोध की निशानी है। फिर परमात्मा कहते हैं जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, ऐसे इस क्रोध के भी छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं। लेकिन संपूर्ण जीवन जो हमारा है, संपूर्ण पवित्र, तब कहेंगे जब कोई भी विकार का अंश ना रहे, ना काम रहे, ना क्रोध रहे, ना अहंकार रहे। और क्रोध तो मोटा मोटा, काम मोटा मोटा, लेकिन काम के भी क्या बच्चे हैं, कामनाएं रखना, इच्छाएं रखना, मेरे को कोई पूछे, मुझे कोई प्यार करे, मेरी बात को माने, मैं कुछ कहूँ तो उसका रिस्पॉन्ड करे, ये भी सारी कामनाएं क्या है, ये भी काम वासना की तरफ ले जाती हैं। फिर परमात्मा कहते हैं
लेकिन संपूर्ण पवित्र तब कहेंगे जब कोई भी विकार का अंश ना रहे। ऐसा पक्का व्रत लो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। मंजिल ऊंची है लेकिन चलना तो एक ही कदम है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। स्टेज ऊपर नीचे होगी लेकिन पहुंचना तो है ही है। ये करें कैसे इसको आप सीख सकते हैं, क्योंकि शांति और सुख तभी आता है जब पवित्रता होती है, और काम वासना सुख शांति को खत्म कर देती है। तो सुख शांति के लिए प्योरिटी की इम्पोर्टेंट है, और विस्तार से जानने के लिए आप ब्रह्म कुमारी सेंटर जा सकते हैं, या तो आप सैटरडे के सेशंस 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे के सेशंस को अटेंड कर सकते हैं। इसी के साथ ओम शांति।